कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने इस मूवी से, मुझे लगा कि जो इस मूवी के मेकर्स हैं पिछली जो दो मूवी आई थी शायद उन दो मूवीज से कुछ उन्होंने सीखा होगा, क्योंकि जो पिछली दो मूवीज थी वो इतनी कुछ खास नहीं गई थी। अब ये थर्ड मूवी लेके आ रहे थे तो मुझे लगा कि यार हाँ इन्होंने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, स्टोरी के अंदर चेंज किया होगा, बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर कमी रह गई थी, जो वेनम की क्षमता थी उसको अच्छे से इन्होंने यूज किया होगा। लेकिन 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 तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे वेनम द लास्ट डांस मूवी के बारे में। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के आसपास है, इससे भी थोड़ी बहुत कम आप समझ लो। मुझे हैरानी हुई कि यार इस मूवी की लेंथ बहुत कम रखी गई है। हम बात करेंगे उस लेंथ के अंदर भी कितनी ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग है या कितनी ज्यादा कमियां हैं। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो देखो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, फिर भी मुझे इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। एक ये होप लेकर मैं मूवी देखने गया था कि यार वेनम का कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद था, तो लगा कि यार हाँ यार इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा, एक नई स्टोरी एक नई कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। करेंगे यार देखो उसके ऊपर भी आएंगे कि क्या अच्छा है क्या इसके अंदर कमियां हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। एडी और वेनम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं अपने ही लोगों से, अपने लोगों इन द सेंस कि एडी इंसान यानी इंसानों से और वेनम जो एक तरीके का एलियन है अपने एलियन से बचाकर मतलब अपनी एलियन से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के जो इनके जो लोग हैं वो इनको मारना चाहते हैं, इनके दुश्मन बने पड़े हैं। वो क्यों बने पड़े हैं जब आप ये मूवी देखोगे तब समझ जाओगे। एक नया जीव जो है इसके अंदर, नया जीव क्या एक नया शैतान नया विलन आप समझ लो, वो दिखाया गया है कि वो आजाद होने के लिए मरे जा रहा है, मरे तो नहीं जा रहा एक तरीके से तड़प रहा है। अब उसके आजाद होने की जो चाबी है वो एडी और वेनम के पास है। एडी और वेनम के पास कैसे वो चाबी आई, तो वो कैसे मतलब उसको क्या वो आजाद हो पाएगा, बहुत सारे सवाल जो है हमारे दिमाग में खड़े होते हैं। अब वो तो देखो मैं मेरे पास तो उनका जवाब है क्योंकि मैं ऑलरेडी मूवी देख चुका हूं। अब आपको उनका जवाब चाहिए तो पैसे खर्च करो जाकर मूवी देखो, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। तो ये हो गई इसकी कहानी, काफी छोटी सी कहानी थी। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है। जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे मूवी के अंदर लगी वो एडी और वेनम का करेक्टर है, मतलब इन दोनों के जो बीच में वार्तालाप होती है या फिर कहूँ जो नोक झोंक होती है, इन दोनों के जो बीच का जो रिलेशन दिखाया गया है यारी दोस्ती वाला, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एक ह्यूमर जो है इस मूवी में डाला गया है, हर लाइन पे एक तरीके से जोक क्रैक करने की कोशिश की है, वही जो डेडपुल और मुझे उसकी याद आ गई डेडपुल और वॉल्विन वाली मूवी की, वहां पर जो है वो हर लाइन के ऊपर जोक क्रैक किया जा रहा है। उन्हीं की दोनों के बिहाफ पे हमने पूरी मूवी देख ली थी और यहाँ पर भी ऐसा समझ लो एडी और वेनम जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस मूवी के अंदर, मतलब उन्हीं के बिहाफ पे आप पूरी मूवी को झेल पाएंगे या देख पाएंगे। इसके अलावा अगर सीजीआई की बात करूं तो हाँ वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब आपको कहीं पर भी कमी महसूस नहीं होगी सीजीआई को लेकर, काफी अच्छी चीजें वहां पर रखी गई हैं। अब वेनम के अलावा जो सिम्बियोइट्स अलग हैं, सिम्बियोइट्स जो अलग तरीके के और भी दिखाए गए हैं वो भी काफी बढ़िया लगे उनको देखकर। जो लास्ट में एंड में जो फाइट आती है लगभग एंड के पास ही समझ लो, वो जिस तरीके की एंड में फाइट दिखाई गई है अपने ही कॉमन दुश्मन से, वेनम और वेनम के जो साथ के जो जीव हैं वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं, वो फाइटिंग काफी अच्छी चीज लगी मुझे। वो बहुत अच्छे से उस चीज को दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, फाइटिंग सीक्वेंस वहां पर काफी बढ़िया रखे गए हैं। अब इसके अलावा वेनम जो हो गया उसके जो जीव हो गए उसके मतलब साथी उसके कलीग समझ लो, इसके यहाँ पर एक और प्रजाति कह सकते हैं एक अलग तरीके का जीव भी दिखाया गया है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इवन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि यार मतलब मैं बताना तो चाहता हूं फिर वो स्पॉइलर वाली बात आ जाएगी, और वो ऐसा समझो वो मेन दुश्मन नहीं है, मेन दुश्मन तो कहीं और बैठा है, उसने एक तरीके से उसको चाबी लाने के लिए भेजा है। अब मेन दुश्मन उसकी पावर नहीं दिखाई गई है, उसके भेजे गए प्यादे जो हैं उनकी इतनी ज्यादा पावरफुल उनको दिखाया गया, सोचो जब मेन दुश्मन आएगा तो वो कितना ही ज्यादा ताकतवर होगा। तो ये जो नया एलियन इसमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक इच्छा होती है कि यार इस एलियन को हराया कैसे जाता है, मतलब यहां पर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी सिम्बियोट जो इसके सामने टिक नहीं पा रहा है, तो एट द एंड इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा। तो जो ये इच्छा है वो थ्रू आउट द एंड बनी रहती है हमारे सामने कि यार हाँ यार वो चीज हमें देखनी है, वो क्यूरियोसिटी हमारी रहती है वहां पर उसको लेकर। तो और वैसे जिस तरीके की एंडिंग इस मूवी में दिखाई गई है तो ऐसा लगता नहीं है कि ये मूवी जो है वो लास्ट होने वाली है वेनम को लेकर, वेनम फ्रेंचाइजी को लेकर ये लास्ट कोई मूवी मुझे लगती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हिंट या कुछ एक हिंट ऐसे समझ लो, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा थोड़े बहुत हिंट इसके अंदर दिए गए हैं जिससे लगता है कि यार हाँ इसके बाद भी कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा फील हुआ मुझे। बाकी परफॉर्मेंस जो है इस मूवी में काफी बढ़िया है, सबने अच्छा काम किया है और जो यहाँ पर एक ह्यूमर डाला गया है वो काफी बढ़िया है, वीएफएक्स काफी बढ़िया हो गए, तो ये होगी इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर कमियां क्या है।
जो मेन जो मुझे इसके अंदर कमी लगी वो है इसकी स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले, वो बहुत ज्यादा वीक है। उस पर फोकस नहीं किया गया, ह्यूमर के चक्कर में बाकी चीजों को एक तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। जहां पर चीजों को सीरियस होने की जरूरत थी वहां पर धक्के से कॉमेडी या जोक क्रैक करने की कोशिश की गई, जिससे वो सीन बर्बाद हो गया है। और पता नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट चला है कि फीमेल का हर जगह पे दिखाया जाना एज ए मतलब सुपर हीरो सुपर विलन के तौर पे वहां पर हमें देखने को मिलती है। मतलब इस मूवी के अंदर भी फीमेल वर्जन देखने को मिलता है वेनम का, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ऐसा फील होता है कि यार यहां पर हमें कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी धक्के से उस चीज को वहां पर डाला गया। मैं ऐसा कोई विरोधी नहीं हूं, आपको फीमेल चीजों को वहां पर फीमेल की चीजें क्या फीमेल को काउंटर पार्ट को वहां पर दिखाना भी है तो आप उसमें कुछ नयापन ला सकते हैं। वही सेम चीज आप कैसे दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर वेनम था तो फीमेल वेनम भी हम दिखा देते हैं, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वहां पर। मे बी शायद किसी को अच्छा लग सकता है। और एक जो कमी स्टार्टिंग से लगती आ रही थी मेकर्स की कि भाई ये जो वेनम है काफी बढ़िया करेक्टर है, इसकी पावर का सही से अभी तक ये यूज नहीं कर पाए। फर्स्ट मूवी से मैं बात करूं, अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों मूवीज में वेनम के करेक्टर का सही से यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके की जो पावर उसके अंदर देखने को मिलनी चाहिए, जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जो एक शैतान हमें वेनम के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, वो चीजें अभी तक नहीं मिल रही है। स्पाइडरमैन 3 की अगर बात करूं जहां पर हमें वेनम का करेक्टर देखने को मिलता है तो एक काफी ज्यादा हैवान शैतान काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग हमें उसमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर जितनी भी हमने तीनों मूवीज अगर वेनम की देखी है तो वैसा फील होता ही नहीं, एकदम अपोजिट, भागता हुआ डरपोक एकदम वीक ऐसा फील होता है, इस तरीके का वेनम उसमें दिखाया गया है। मूवी की लाइन जो है वो 1 घंटे 40 मिनट से भी कम है। बावजूद इसके इसका फर्स्ट हाफ हमें काफी ज्यादा स्लो लगता है। हाँ सेकंड हाफ में मूवी अच्छी हो जाती है लेकिन फर्स्ट हाफ में इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है, एक तरीके से हमें कहीं ना कहीं वो बोर करने लग जाती है। मूवी का मेन फोकस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर पे ही रखा गया, बाकी चीजों पे यहाँ पर फोकस नहीं किया गया, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं कहूंगा। तो ये हो गई इस मूवी की कमियां। ओवरऑल अगर बात करूं मूवी के लिए तो देखो यार, आपको एक वीक स्टोरी के साथ जिसका फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा स्लो है, वही चीजें हमें फिर से रिपीट होती हुई चीजें दिखती है कि वेनम का सही ढंग से यूज नहीं किया गया है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर मूवी जो है जो काफी बढ़िया स्पीड पकड़ती है, बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिलते हैं, लास्ट की फाइटिंग सीक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सीजीआई अच्छे हैं, एडी और वेनम का जो ह्यूमर है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जोक क्रैक किए गए हैं जो आपको डेफिनेटली हंसाएंगे, लेकिन सारे जोक काम नहीं करते हैं। आपको इस चीजों के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये मूवी देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी वाइफ के साथ आप देखने जा सकते हैं इस मूवी को। तो बस आज के लिए इतना था। देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं, वन टाइम कंसिडर कर सकते हैं। जितनी उम्मीदें देखो यार इस मूवी से लगाई थी तो उन पे तो मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ कि उन पे तो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है। बाकी बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।